बचाना है, गांव को बचाना है, गांव को बचाना है, गांव को बचाना है, बच्चों को बचाना है, किसी को समझाना है, किसी को समझाना है, मुख्यमंत्री को समझाना है, समझाना है, गांव को बचाना है, गांव को बचाना है, गांव को बचाना है, बच्चों को बचाना है। हमारी क्वाटा है ये नशा बंद कर दे। हम 15 तारीख को यहाँ संत जी को लेकर अनशन करना शुरू करेंगे। सभी बोलिए एक मिनट, सभी एकदम जोर। भारत माता की, मातृशक्ति की, माँ दुर्गा की जय। आए बहने, नशे से अपने बच्चों को बचाने के लिए जिस तरह से नशा लगातार बढ़ता जा रहा, गांव को उजाड़ रहा, परिवार को उजाड़ रहा, बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा, उसके उस नशे के खिलाफ, उस बीमारी के, उस महामारी के खिलाफ आज माताओं बहनों ने पूरे गांव को जागृत किया। और अब जो है आज शाम हम लोग इस नशे के खिलाफ एक मशाल जुलूस निकालेंगे। और ये बात जो है, हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो राम राज्य की बात करते हैं, उनको, उन तक ये संदेश पहुंचाना है कि किस तरह से बॉर्डर तो सुरक्षित हो गया देश का, देश की सीमा आतंकवाद से सुरक्षित तो हो रही, लेकिन ये जो घर का आतंकवाद है, जो नशे से पैदा हो रहा, जो नशे से घर उजड़ रहा है, बच्चे उजड़ रहे हैं, और माँ जो है लहू की आंसू रो रही, लहू के आंसू रो रही, तो उसको कैसे बचाया जाएगा। गांव को स्कूल जरूरी है, गांव के लिए विद्यालय जरूरी है, गांव के लिए हॉस्पिटल जरूरी है, गांव के लिए ठेका जरूरी नहीं है। गांव के बगल में जो संस्कृति शुरू हुई है शराब की, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तमाम माताओं बहनों और ग्राम की तरफ से हम लोग ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से नोटबंदी हुई, रातों रात नोटबंदी हो गई, वैसे वैसे पूरे देश में अब नशाबंदी करिए, नशा एकदम से बंद होना चाहिए। और सभी माताएं बहनें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रही हैं, वो कह रहे हैं राम राज्य है, लेकिन यहाँ तो गांवों में शराब राज्य हो गया, गांवों में जो है चिट्टे का नशा बढ़ता जा रहा, छोटे छोटे बच्चों को ये अपने गिरफ्त में ले रहे हैं, अपने चंगुल में ले रहे हैं। ये नशा पंजाब से अब शुरू होके हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और पूरे के पूरे हरियाणा और पूरे के पूरे देश को धीरे धीरे समाप्त कर जाएगा, निकल जाएगा। उससे पहले हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप जो है हम की हमारी बातों को, माताओं बहनों की बातों को सुने, और अगर ये बात हमारी नहीं पहुंचती है तो हम लोग 5 जुलाई से एक अनशन आंदोलन करेंगे, जो कि सत्याग्रह होगा गांधी जी के तरीके बताए हुए रास्ते पर, वो जो है डीसी के सामने फतेहाबाद में शुरू होगा।